लेडीज एंड जेंटम वेलकम टू द मॉड्यूल दिस सिक्स मॉड्यूल गिव दोशल इम्पैक्ट वोशल इम्पैक्ट हमने अब तक uh, देखा कि सोशल डिवेलपमेंट कैसे होती है सोशल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं आंटरप्रनोर जो है वो सोशल कम्यूनिटी कैसे डिवेलप करते हैं क्रमिनल इम्पैक्ट की बात में बार बार कर रहा हूँ या सोसाइटी सोसाइटी हटा लीजिए कम्युनिटी अब ये कम्युनिटी क्या है क्या ये सेक्ट है कास्ट है कलर है क्रीड है नहीं जी ये कास्ट कलर क्रीड नहीं सो सोशल सो, क्या है पहले तो समझना होगा अब मैं तारीख में नहीं जाता ना मैं शाम की औलाद में ना हाम की औलाद में ना हजरत साले की औलाद में ना हजरत नू की औलाद के अंदर कि कितनी नस्लें बनी आप तारीखी तौर पर मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ और आपको सिर्फ़ हिंट के तौर पर बताता रहता हूँ कि इसको आप स्टडी करते रहें मुख्तलिफ कौमों के अंदर मुख्तलिफ नोयत के अंदर इंसानों को पैदा किया आज़माने के लिए अल्लाह ने एक ऐसी कौम भी बनाई जिसको ताकतवर सफ़ेद रंगत खूब रू लम्बा कद अता किया फिर कईयों को उसी नस्ल के अंदर जो वैसे ही कद व का दे के रंग और सया फाम बना दिया लेकिन उनके अंदर भी ट्रेड अलग कर दिए कुछ को मजबूत कर दिया किसी को किसी तरह मजबूत किया किसी को किसी तरह मजबूत किया क्या आपने सोचा होगा कि बंगालियों हो और पाकिस्तानियों और कई जगहों के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ब्राउन्स हैं कद भी छोटे हैं और उनको आ, क्या हकीर बनाया गया माजल्ला नहीं उनके जहानत उनकी फ़तानत उनके दिमाग उनको और तरह से डेवलप किया गया कई ऐसे ऐसे मैथमेटिशियन यहाँ निकले जो वहाँ नहीं निकले कई ऐसे ऐसे जहन निकले जो यहाँ थे और वहाँ नहीं थे तो क्या कहने का मकसद ये तो क्लास कलर क्रीड के चक्कर के अंदर से निकली है इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी के अंदर चारों किस्म के लोग होते हैं अब हजूर अःलात के पास मैंने बार बार एग्ज़ाम्पल दे इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने पूरी दुनिया की सारी किताबें देख ली मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिली लेकिन ऐसी एग्जाम्पल कहीं एक जगह मिलती ही नहीं थी आप देखें कि हज़रत सलमान फारसी वो जो है वो स्यारंगत के थे इसी तरीके से हज़रत बिलाल हाबशी एक कम्यूनिटी के अंदर हजरत बिलाल हबशी को हजूर आल की कुर्बत ने मौज़न रसूल बना दिया और वो छत के ऊपर चढ़कर ना अज़ान जब देने लगे तो वो एक जो काले रंग का ग़ुलाम तस्वुर किया जाता था हर काले रंग को तशद्द किया जाता था मारा जाता था ईंटें उठवाई जाती थी गारे उठवाए जाते थे मारा जाता था उसकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं थी आज़ाद करके कोई उसको अपनी बेटी नहीं दिया करता था हजूर अल स्लाम ने दो बड़ी एग्जाम्पल दे दी सलमान फारसी को एक तो सरदार का स्टेटस भी मिला और इधर से हजरत बिल हफ़ी को सिर्फ और सिर्फ ऐसा स्टेटस मिला कि वो काबे की छत पर जब नमाज अज़ान दिया करते थे तो सारी दुनिया उन्हें मज़न रसूल कहा करती थी और अल्लाह की अजान देने वाली कहा करती थी तो ऐसी कम्युन डेवलपमेंट कि जहां पे क्रास कलर क्रीड को तोड़ दिया गया दैट इज वोट द फिलोसफी ऑफ एम्बेडनेस एंड दोशल आंटरप्रोरशिप एम्बेडनेस एंड सोशल एम्बेडेडनेस का मतलब होता है आपस में बुनाई अब वो बुनाई कैसे होगी समझ लीजिए जब आप आउट ऑफ बायसेस हो जाते हैं आप एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहा गया कि जब तक अदब नहीं होगा जब तक एक दूसरे अदब क्या होता है अदब अदब हर चीज का एक अदब है मैंने जैसे अर्ज की कि ये थोड़ी सी ऐसी फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो जाती है क्योंकि आंटरप्रन की थेरी को वेस्ट के साथ तो मैंने समझाया जहां अगर हमने शम्पीटर साहब को समझाया फ्रैंकलिन साहब को समझाया वहां हम अगर हजूर असलात इस्लाम के मॉडल ऑफ आंटरप्रेनशिप को भी समझाएंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी सो so, इमेडनेस ये है कि वहां पर एक दूसरे के साथ बुन जाना यानी एक धागे को दूसरे धागे की फोकियत पता चलना यानी अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर प्रेडिससर होता है और सक्सेसर होता है जब तक प्रेडिससर नहीं बनेगा सक्सेसर नहीं बनेगा जब तक सक्सेसर नहीं होगा प्रेडिससर नहीं होगा सो एवरी सक्सेसर इट इज अ इज अ सक्सेसर सो एक दूसरे की बुनाई के साथ एक बगैर जोड़ के जो चीज बनती है वो महंगी भी बनती है वो देर पा भी बनती है उसके धागे नहीं निकलते लेकिन जब तोड़ बन जाता है आप देखें आप लकड़ी में देख लें जिसका जोड़ नहीं होता महंगी बिकती है टेबल जिसका जोड़ नहीं होता महंगा बिकता है स्वेटर जिसका जोड़ नहीं होता महंगा बिकता है कपड़ा जिसका जोड़ नहीं होता महंगा बिकता है जूता मैं मह... जिसका तोड़ और जोड़ नहीं लगता वो महंगी बिकती है हर वो प्रोडक्ट जिसका वन पीस कहा जाता है तो वन पीस चाहे वो लेदर में हो चाहे वो किसी भी चीज के अंदर हो वो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है इसी तरीके से सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर तोड़ नहीं डालता हम देखते हैं तेजी से जी एम्बेडेडनेस एम टू फाइंड आउट हाउ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एज अ प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय द सोशल एंटरप्रेन्योर अब रिलेशनशिप इन एडिशन टू ओवरऑल स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन द सोशल सिस्टम इसमें जो है वो गार्नोवेट uh, जो है 1985 में बात करते हैं देन ही सेड

कि ये एम्बेडेडनेस जो है या सोशल इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए द एम्बेडेड सोशल एंटरप्रेन्योरियल कंसोलिडेशन इज मस्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट थैंक यू वेरी मच